नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। जैसे कि हमारी शंकरा बोल लंबे समय से चली आ रही है, तो उस लड़ी में एक आज नया मोती परोने के लिए सब्जी का, तो आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल में भिंडी। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो मोटिव है, एम है, सारी इंडियन लेडीज़ को, गर्ल्स को कुक इंडियन कुजीन में परफेक्ट करने का है, ताकि आप बिना किसी झिझक के, दुविधा के, डाउट के जो इंडियन फूड है बहुत अच्छी तरह से बना सकें। तो हमें इस भिंडी के लिए क्या क्या चाहिए, पहले भी मैंने एक तरह की भिंडी आपको सिखाई थी जो भरमा थी, तो जो मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली है, आपने ताज़ी बिल्कुल हरी हरी भिंडी लेनी होती है, बड़े बड़े बीजों वाली पक्की हुई भिंडी नहीं लेनी। तो उन भिंडियों को मैंने दोनों तरफ से काट कर 1 से 1.5 इंच तक के लंबे लंबे 1.5 इंच के पीसीस कर ली हैं। उसे अच्छी तरह पहले धोया था, धो के पोंछ के धूप में अच्छी तरह सुखा लिया, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, लार सी बन जाती है जब हम उस भिंडी को पकाते हैं। ये आधा किलो भिंडी है, यानी कि 500 ग्राम। ये हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कटे हुए 2 टमाटर है, 1 प्याज है मीडियम साइज़ का कटा हुआ, 5-6 कड़ी पत्ते हैं, खसखस है, राई है, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, 2-3 लाल मिर्चें, हींग, 2 टेबलस्पून काजू, 1/2 कप दही, और इसमें से थोड़ा सा हम फ्रेश नारियल है जो हमने ऊपर के बाल उतार कर इसकी गिरी लेंगे। पानी है, तेल है, इतने इंग्रेडिएंट्स हमें बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जो हम करने जा रहे हैं, गैस का बर्नर ऑन करेंगे और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। आपको कोई दुविधा ना हो इसलिए मैंने अपने अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें, आपको कोई मुश्किल पेस्ट आए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके उस रेसिपी के बारे में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, फिर आप देखें कि मेरी बनी हुई चीज़ें आपको कैसी लगती हैं, कैसी बनती है दिखने में, टेस्ट में। तो आप बरवस ही मेरी रेसिपीज़ की ओर खींचे आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ 2 सर्विंग स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डाल रही हूँ। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप, हम पहले थोड़े घी में डालकर फ्राई करके देखते हैं कि कैसी ये हमारी भिंडी फ्राई हो रही है। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम अपनी भिंडी को कुरकुरा होने तक इसमें फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से ये कुरकुरी हो जाए। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वैसे इस तरीके से जो भिंडी है वो ज़्यादा बढ़िया फ्राई हो जाती है, इसका कलर भी अच्छा रहता है। डीप फ्राई करने से जो भिंडी है थोड़ी काली काली सी पड़ जाती है। आप हमेशा फ्रेश भिंडी लीजिए, बड़े बीजों वाली पकी हुई भिंडी मत लीजिए, वो गलने में भी ज़्यादा टाइम लेती है, पकने में भी, और ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। जो आँच है हमने मीडियम रखनी है, तेल को एकदम पहले ज़्यादा गर्म करना है, फिर आँच को कम कर देना है। ये जो भिंडी है हम 50% ही इसमें कुक करेंगे, बाकी की मसालों में पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, फ्राई करने से इसका कलर भी का ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, और जब हम इसे मसालों के साथ थोड़ा इसमें मसाले मिक्स हो जाए पकाएंगे, तो उसमें ज़्यादा बढ़िया मसालों का इसमें मिश्रण नहीं हो पाएगा। किसी पहले व्यक्ति हमने भिंडी देखी इस प्रकार से कलर देख लिया, पहले इससे ज़्यादा ग्रीन हो गया बल्कि तलने से, अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो जो ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं कम तेल में ही इसे फ्राई कर रही हूँ। ये हमारी लास्ट बैच की भिंडियाँ हैं, हमने अपनी सभी भिंडियों को फ्राई करके ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, स्टील में बाउल्स में से, और अब हम बनाएंगे अपनी भिंडियों की सब्जी। मैं जब भी मेरे व्यूअर्स जो पुराने हैं उनके फ़ोन आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपनी रेसिपीज़ के बारे में पूछने के लिए, और जो नमेश दस्या हमारे
परिवार में, कुकिंग विद रेनू वाला के चैनल परिवार में शामिल हो रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। मेरे को आप सभी मेरे व्यूअर्स अपने फैमिली मेंबर्स की तरह लगती हैं। आप विदाउट किसी हेजिटेशन के जब भी चाहें कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कुकिंग के रिलेटेड। तो अब हम बनाएंगे, तो पहले जो पेस्ट हमने बनाना है उसे तैयार कर लें, फिर बाकी का प्रोसीजर हम नेक्स्ट फिर करेंगे। तो उसके लिए हम मिक्सी का एक कंटेनर लेंगे, जो हमने फ्रेश कोकोनट आपको दिखाया था उसमें से गिरी लेकर मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि पेस्ट बनाने में आसानी रहे। आप 1.5 कप से लेकर 2 कप तक ग्रेटेड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके ले सकती हैं। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत बढ़िया बनती है। तो अब इसमें हम काजू ऐड करेंगे जी, आप 2 से 3 टेबलस्पून तक ले सकते हैं जितनी आपको थिक ग्रेवी पसंद है। तो इसी में हम मिलाएंगे खसखस 1 टीस्पून, आप पीनट भी मिला सकती हैं काजू की जगह, पर काजू का तो अपना ही फ्लेवर है, या हाफ हाफ भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो अब हम इसे पीसेंगे, तो आप सभी इस प्रकार से फॉलो करते हैं। हमने भिंडी को तो फ्राई कर लिया था और उसका भी पेस्ट बना लिया नारियल काजू खसखस का, इस प्रकार से पानी डाल लिया था थोड़ा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैंने तेल ले लिया है एक कढ़ाई में, जिसमें भिंडी फ्राई की थी उसमें ही आप इतना तेल ले लीजिए। और एक बात और, जो हम आज भिंडी बनाने जा रहे हैं वो साउथ इंडियन स्टाइल है, इसमें सभी मसाले हम इडली डोसे सांभर में जो डालते हैं वही डालते हैं तकरीबन लगभग। तो सबसे पहले साबुत जीरा और इसे देंगे चटकने, कांच को कर देंगे कम, ये बहुत जल्दी चटक जाती हैं। इसके बाद ये देखिए राई, और ये है हमारे पास उड़द की दाल धुली हुई जिसे हम बड़े बनाते हैं। इसे मैं थोड़ा, आप ऐसे डालने से पहले क्या करें, ऐसे इस पर मसल मसल कर इसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर कर दें। मैं तो वैसे धोकर रख लेती हूँ दालें, क्योंकि जो सूखी दालें पड़ती हैं मेरी कोशिश रहती है धो के सुखा के, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताया है। मैं तो सभी दालें जो साबुत डालते हैं सब्जियों वगैरह में उसे धो के सुखा के रखती हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड बहुत दालों के स्प्रे होते हैं जो रसायन है उनका। देखिए दाल अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। तो जो लाल मिर्चा, मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ जो बोनस टिप है, तभी तो मैं बोलती हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, उससे जो टिप्स हैं वो छूट जाती हैं। अगर लाल मिर्च आप पहले डालते तो जलकर ये काली हो जाती और बहुत बुरी लगती। अब मसालों, खड़े मसालों को भूनने के बाद मैंने डाल लिया, देखिए इससे जो इसका कलर रेड रेड रहेगा और जो भून भी जाएगी अच्छी तरह से। देखिए जितना आप तीखा खाते हैं उसी हिसाब से मिर्ची को डाल लीजिए। ये है मेरे पास कड़ी पत्ते 5-6, 6-7 जितने भी आपको पसंद हो, इसे भी हमने डाल दिया और इसे भी चटकने देंगे। देखिए खूब चटक रहा है, चटकर बाहर आ रहा है सभी सूखे मसाले। काफ़ी ज़्यादा चटकाहट हो रही थी मसालों की, तो मैंने गैस का बर्नर बंद कर दिया था क्योंकि उछल कर बाहर बिखर रहे थे। तो अब मैंने फिर ऑन कर दिया, आँच को एकदम धीमा कर दिया है। और धीमा करने के बाद मैं डालूँगी प्याज, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और अब इसे हम भूनेंगे प्याज को, बस भूनूंगी और कुछ नहीं करूँगी। इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए आप सब्जी को बनाइए, और मेरी जो भी वीडियो है आप उसे नॉन स्टेप बिना स्किप किए हुए कंटिन्यूसली देखिए, क्योंकि कोई ना कोई स्टेप छूट जाता है तो सब्जी अच्छी नहीं बनती। कोई भी डिश है, सब्जी क्या विशेषकर कोई भी डिश अच्छी नहीं बनी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सी टिप्स बताती जाती हूँ ताकि जो हमारी चीज़ जो भी अपन रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका कलर भी अच्छा रहे और टेस्ट भी बरकरार रहे। अब प्याज को सिर्फ हम भूनेंगे, हींग अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। हींग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होती है। कई लोग बोलते हैं कि भिंडी से गैस बनती है, एक्चुअली भिंडी में गैस नहीं होती, गैस नहीं बनती। तो हींग से वो अगर किसी को है तो वो भी दूर रहेगी, टेस्ट तो रहता ही रहता है। इसमें बीज रहते हैं, तो जब आप अच्छी तरह चबा चबा कर खाना नहीं खाते तो
तो उस वजह से गैस बनता है बिना पचाए हुए जब आप खाना निगलते हैं। भिंडी की बने वजह से गैस कभी नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट दलिया भी खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे अच्छी तरह चबाकर, तो उससे भी गैस बनेगा। प्याज हमारा सुनहरा हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे कटे हुए 2 मिनट टमाटर लिए हैं, देख लीजिए इतने टमाटर हैं, लगभग 150 ग्राम के लगभग हमारे टमाटर थे। अब मैं इसमें लाल मिर्ची मलाने जा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए, क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्ची भी डाली है। अगर ज़्यादा तीखा डालते हैं तो खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा डालिए नहीं कम। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि नहीं बच्चे नहीं खा पाएंगे अगर ज़्यादा तीखा हो गया तो। होगी रेड मिर्ची। अब हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, तो हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को हम ऐड करेंगे। टमाटर डालने के पश्चात हमने 1-2 मिनट टमाटरों को भून लिया था, देखिए इस प्रकार से। अब मैं मिलाने जा रही हूँ नारियल, काजू, खसखस का पेस्ट। नारियल में भी ऑयल रहता है, इसलिए मैंने पहले शुरू में बहुत कम ऑयल डाला था। सभी चीज़ें बिल्कुल पौष्टिक है, नारियल हो, काजू हो, खसखस हो, सेहत के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमारा सारा पेस्ट नारियल काजू का ऐड कर लिया है। हम मिलाने जा रहे हैं भिंडी के हिसाब से नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारी ग्रेवी भी काफ़ी मात्रा में है। तो अब हम इसे ढक कर बिल्कुल सिम आंच पर ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे, फिर इसमें मिलाएंगे दही। जब ऑयल सेपरेट हो गया तो इतने हम दही को फेंट लेंगे और इसे ढक देंगे, कवर कर देंगे। 1/2 कप दही लिया था, इसे अच्छी प्रकार से मैंने फेंट लिया था, विप कर लिया था, जिसे इंग्लिश में विप करना कहते हैं, पंजाबी हिंदी में फेंटना कहते हैं। थोड़ा पानी डाल के आप विप कर लीजिए। तो फिर हम इसे दोनों चीज़ों के साथ बिल्कुल ऑयल के सेपरेट होने तक पकाएंगे। जब थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया तब हम अपनी भिंडी को डाल देंगे, ताकि मसालों के साथ में भिंडी पक कर मसालों का जो फ्लेवर है उस भिंडियों में ऐड हो जाए। ये जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। भिंडी हमने 50% पहले ऑयल में फ्राई कर ली थी। भिंडी बहुत नाजुक होती है, जल्दी पक जाती है। अब इसमें डालकर हम सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे। वैसे भी जब हम भिंडी के छोटे छोटे पीस काट कर बनाते हैं घर में, तो 5-6 मिनट में पूरी भिंडी गल कर तैयार हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स करके हम ढक कर 1-2 मिनट तक, ताकि सभी मसालों के फ्लेवर भिंडी में समा जाएँ, पकाएँगे। हम इसे अच्छी तरह ढक देंगे, पहले भी ढका था ऑयल सेपरेट होने तक भिंडियाँ डालने से पहले। अब भिंडियाँ डालकर भी ढक देंगे, ताकि जो फ्लेवर है सभी मसालों के भिंडियों में ऐड हो जाए। ये हमारी साउथ इंडियन स्टाइल में भिंडी है, जिसमें उड़द दाल, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, राई है। देखिए हमारी भिंडी का ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और ये हमारी भिंडी भी बिल्कुल पक कर रेडी हो गई है। ये साउथ इंडियन स्टाइल में भिंडी है और बहुत टेस्टी है। पहले मेरे को भी लगा था जब मैंने पहली बार ट्राई की थी कि ये कैसी बनेगी। हमारे पंजाब में तो बिल्कुल सूखी सूखी भिंडी बनती है, जो बहुत टेस्टी लगती है, तो ये कैसी बनेगी। परंतु ये जो बहुत ही टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है, खाने में लजीज बनती है। साउथ इंडिया में थोड़ी सब्जियाँ इसी प्रकार की बनती हैं, हमारे पंजाब से डिफरेंट, परंतु बनती टेस्टी हैं। हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो आप इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हमने तो आपके लिए बहुत मेहनत किया है, और आप पर डिपेंड है कि आप इसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको कोई खास रेसिपी सीखनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर हमें मैसेज करें, कमेंट डालिए कि कौन सी रेसिपी आप नेक्स्ट टाइम हमसे बनवाना चाहती हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।